देश की सुरक्षा में लगे जवानों को कई बार रक्षाबंधन पर अपनी बहनों की तरफ से भेजी गई राखी समय पर नहीं मिल पाती, जिस वजह से जवान अपनी बहनों को याद करते हैं। लेकिन कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो देश की सुरक्षा में लगे जवानों के लिए बहनों का फर्ज अदा करने बॉर्डर पर पहुंचकर राखी बांधती हैं। इसको लेकर डेरा बाबा नानक बॉर्डर पर शिकार मानशिया में बीएसएफ के 10 बटालियन के जवानों को बटाला के डीएवी स्कूल की छात्राएं राखी बांधने के लिए पहुंची और जवानों को राखी बांध कर उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। क्या जी, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ है। जो बच्चे आए आज, ये महसूस नहीं हो रहा है कि हम अपने घर में हैं, आज घर में दिखाई दे रहा है कि बच्चे वहाँ राखी बांधी है, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हमारा बहुत ही फौज का हौसला बढ़ा है यहाँ करके। बच्चों क्या कहना चाहेंगे बच्चों को जो राखी, बच्चों के लिए हम बहुत ही आशीर्वाद देते हैं इनको और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। से यहाँ पर सरहद के जवानों के साथ राखी बांधने आई हूँ क्योंकि वो सरहद पर रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम यहाँ पर आकर उनके साथ त्यौहार मनाएं। उनकी बहनें इतनी दूर, वो भी अपनी बहनों को मिस करते होंगे, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम यहाँ पर आके त्यौहार मनाएं, उनके साथ थोड़ी खुशियाँ बांटें। तो आज मैं इसलिए यहाँ पर बॉर्डर पर उनके साथ राखी का त्यौहार मनाने आई हूँ। यहाँ देश के सरहद के जवानों को राखी बांधने आई हूँ ताकि उन्हें, मैं उन्होंने राखी इसलिए बांधने आई हूँ ताकि उन्हें अपने बहनों की कमी ना महसूस हो और हम उनके साथ त्यौहार मनाएं। वो देश घर से दूर रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं और मैं सभी देशवासियों से यही अपील करती हूँ कि वो हर त्यौहार हमारे देश के जवानों के साथ मनाए ताकि उन्हें अपनी घर की कमी महसूस ना हो। वहीं स्कूल के छात्राओं ने अलग अलग तरह के नृत्य पेश कर जवानों के मन मोह लिए और जवान भी खुशी में आकर अपनी इन नन्ही बहनों के इस प्रोग्राम को अपने मोबाइल में यादगार के तौर पर रिकॉर्ड करते दिखाई दिए। बटाला से न्यूज़ के लिए सुखजिंद्र कुमार की रिपोर्ट।